जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 6 मार्च यानी आज ही के दिन दुनिया के लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के नायक सचिन तेंदुलकर के प्रेरणा स्रोत भारत के लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर रहे और वे हमेशा से उनकी तरह बनना चाहते थे। बता दें दोस्तों, किस प्रकार से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में गावस्कर के पदार्पण के यानी क्रिकेट डेब्यू के 50 साल पूरे होने पर तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर ये बात लिखी और सारी बातें अपनी बता दी है इस ट्वीट के जरिए। बता दें दोस्तों, सुनील गावस्कर के 50 साल होने पर टेस्ट में क्रिकेट की दुनिया में तो उन्होंने कुछ खास बातें लिखी हैं सचिन तेंदुलकर ने। उन्होंने लिखा है कि 50 साल पहले आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में एक तूफान आया था। उन्होंने अपनी पहली ही श्रृंखला से यानी अपनी पहली ही सीरीज़ में 774 रन बनाए और हम सभी को एक हीरो मिल गया। आगे वो लिखते हैं कि भारत ने वेस्टइंडीज़ में वह सीरीज़ जीती और फिर इंग्लैंड में भी जीत दर्ज की। उस समय की सबसे खतरनाक टीमों को लगातार हरा के काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया था सुनील गावस्कर ने। अचानक से भारत में क्रिकेट को नए मायने मिल गए। सचिन तेंदुलकर लिखते हैं कि मैं बचपन से यह जानता था कि मुझे किसके जैसा बनना है। आज भी कुछ नहीं बदला है, वह मेरे हीरो आज भी हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में 50वीं सालगिरह उनको मुबारक हो गावस्कर जी को। बता दें दोस्तों, अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को 1-0 से और फिर इंग्लैंड को भी हराया था। तेंदुलकर ने कहा कि 1971 टीम के सभी सदस्यों को सालगिरह मुबारक, आप सभी ने हमें रास्ता दिखाया और गौरवान्वित किया। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का ये खास मैसेज सुनील गावस्कर के दिन बनाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि आज के समय में क्रिकेट का भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर। ऐसे में जिस भगवान की पूजा के तौर पर सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर की करते थे, आज उन्हीं के 50 साल पूरे हो चुके हैं बेमिसाल तरीके से। दोस्तों, वो समय तब था जब अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार दा के गानों को पसंद किया जाता था, अमिताभ बच्चन की अदाकारी को पसंद किया जाता था। क्रिकेट को शायद उस समय इतनी पहचान नहीं मिली थी, लेकिन सुनील गावस्कर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजियों के चलते पहचान मिलना शुरू हो गई। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।